हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम लोग 10 जून की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन 10 जून की करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले हम लोग 9 जून की यानी कि कल की करंट अफेयर्स के सेशन को पहले रिवाइज करेंगे। आइए एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। आज के सेशन में 10 जून की करंट अफेयर्स में आपके लिए पीसीएस प्री के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं कि आपको दिखाएंगे किस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पीसीएस के आईएएस के प्री के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन लाए हैं हम। कोशिश क्या करेंगे कि आप कम से कम 5 क्वेश्चन डेली यहाँ पे लाया करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आप भी उसको देखें समझें। चलिए आइए टाइम न वेस्ट करते हुए सबसे पहले अपनी 9 जून की कल की करंट अफेयर्स को थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ट्राई स्टार क्लासेस गाइडेंस टुवर्ड्स सक्सेस डेली करंट अफेयर्स 9 जून, कॉन्टेक्ट नंबर दिस बाई दिस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द बीच विजिल ऐप टू कीप विजिलेंस ओवर द स्प्लेंडेड बीचेस ऑफ द स्टेट। आप इस चीज से याद रखें कि बीच विजिल ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है, बीच विजिल ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है, ये किया है गोवा सरकार ने, तो ध्यान रखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ने से कोई फायदा नहीं, जिस क्वेश्चन में जो आपको चीज पूछी जा रही है उससे उतने केवल ध्यान दे दो और आंसर पे देखो। क्वेश्चन में पूछ रहा है, मोटे मोटे तौर पे क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि बीच विजिल ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है, ये गोवा सरकार ने लॉन्च किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कौन? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 3 जून को इस बीच विजिल ऐप को क्या किया है, लॉन्च किया है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये एप्लीकेशन गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया था। इस क्वेश्चन में जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको अंडरलाइन करूंगा। क्वेश्चन को इतना पढ़िए कि उतना ही समझ में आपको आ जाए कि इसका आंसर क्या होगा, लगभग क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा होता है। तो बीच विजिल ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया, गोवा ने। गोवा में क्या है, समुद्र किनारे हैं, तट, उससे याद रख सकते हैं बीच। ओके, गोवा की कैपिटल के बारे में जानते होंगे, गोवा की कैपिटल है पणजी, और गवर्नर कौन है यहाँ के, राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई, कौन है, पी एस श्रीधरन पिल्लई। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बारे में बात करें, यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, गोवा की कोंकणी, जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश उर्दू इस तरह बोलते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से वहाँ पे गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कोंकणी। तो ध्यान रखेंगे बीच विजिल ऐप लॉन्च करने वाली कौन सरकार है, गोवा, किसने, गोवा के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। इस एप्लीकेशन को किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गोवा सरकार ने किया है, तो गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इस ऐप को डेवलप किया है। कैपिटल पणजी, गवर्नर पी एस श्रीधरन पिल्लई। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कोंकणी। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन विच सिटी मेघालय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट स्टेट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इन जून 2022। क्वेश्चन कह रहा है कि मेघालय सरकार ने जून 2022 में किस शहर में अपना पहला स्टेट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, सम्मेलन आयोजित किया है। तो ध्यान रखना, पहली बात तो मेघालय आ रहा है, मेघालय की कैपिटल के बारे में बात करें तो क्या होता है बच्चों, शिलोंग होता है। तो मेघालय की कैपिटल क्या होती है, मेघालय की कैपिटल होती है तो शिलोंग। तो ध्यान रखेंगे मेघालय सरकार ने स्टेट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया है किस शहर में, शिलोंग शहर में। इससे आप आसानी से इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि मेघालय सरकार ने अपना पहला फर्स्ट स्टेट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस किस शहर में लॉन्च किया है, किस शहर में ऑर्गेनाइज किया है, शिलोंग शहर में। अब मेघालय के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो इसका उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉन्रेड के संगमा है, कौन है, कॉन्रेड के संगमा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ओके, तो ध्यान रखेंगे, तो मेघालय सरकार ने अपना पहला स्टेट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है शिलोंग में। शहर पूछ रहा है, मेघालय की कैपिटल आप समझ सकते हैं, मेघालय की कैपिटल क्या होती है, शिलोंग, इससे आप याद कर सकते हैं।
मेघालय के सीएम के बारे में बात करें तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगम है। ओके, मेघालय किससे बना है? मेघालय असम के दो डिस्ट्रिक्ट को काट के बना हुआ है। मेघालय किससे बना हुआ है? तो मेघालय का निर्माण या गठन असम राज्य से दो जिलों को, कौन कौन से? यूनाइटेड खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स, 21 जनवरी 1972 को मिलकर ये सब बनाया गया था। मेघालय की कैपिटल के बारे में बात करें, कैपिटल क्या आ गया? शिलोंग हो गया। गवर्नर यहाँ के राज्यपाल कौन है? गवर्नर वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक होते हैं, मालिक हैं। पॉपुलेशन कितनी है? 26.5 लाख। तो मेघालय में जनसंख्या के बारे में बात करें तो मेघालय में 26.5 लाख जनसंख्या है, ये डाटा 2012 के अनुसार है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, इन विच लेक वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस वाज डन इन जून 2022। जून 2022 में विश्व की पहली फिशिंग कैट की जनगणना किस झील में हुई, यानी कि किस झील में विश्व की सबसे पहली फिशिंग कैट की जनगणना हुई? ये हुई चिल्का लेक में। किसमें हुई बच्चों? चिल्का लेक में। अब इसको कैसे याद रखा जाए? अब जैसे फिशिंग कैट आ रहा है, फिशिंग कैट में इसका पहला कैट माने क्या होता है? बिल्ली। तो कैट में पहला अक्षर क्या आ रहा है? सी आ रहा है, जिससे आप याद सकते हैं कि चिल्का लेक में। किसमें? चिल्का लेक में। ओके, तो विश्व की सबसे पहली फिशिंग कैट जनगणना चिल्का लेक में हुई, तो कैट से याद कर सकते हैं, फिशिंग कैट आ रहा है कैट से, यानी कि आप याद करते हैं चिल्का लेक, इसमें भी सी आ रहा है। तो चिल्का लेक है कहाँ पे? चिल्का लेक है उड़ीसा पे। तो चिल्का झील उड़ीसा में है। इस झील में लगभग 176 फिशिंग कैट का घर है, 176 फिशिंग कैट घर है। हाल ही में संपन्न होने वाली फिशिंग कैट आकलन माध्यम में ये पाया गया है, तो ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस कब हुआ? ये हुआ तो जून 2022 में, लेकिन किस झील में पूछ रहा है? ये है चिल्का लेक में। कैसे याद हो सकते हैं सर? यहाँ पे फिशिंग कैट में सी आ रहा है, चिल्का लेक में भी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? सी आ रहा है। फिशिंग कैट के बारे में बात कर लें तो पश्चिम बंगाल का ये राजकीय पशु है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है? हमारा फिशिंग कैट। फिशिंग कैट हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट? इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन इतने पढ़िए सिर्फ कि न्यू चेयरमैन पूछ रहा है ऑफ इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट, ये है सतीश पाई जी को। किसको बच्चों? सतीश पाई। ओके, आप इसको कैसे याद सकते हैं, इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट? अब देखिए, इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन तो सतीश पाई को नियुक्त किया गया है, लेकिन इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसको याद रखने का तरीका, एल्युमिनियम में लास्ट में मिनिमम आ रहा है, कहते नहीं मिनिमम, कम से कम पाई की वैल्यू, कम से कम पाई की वैल्यू 22/7 या पॉइंट बात करें डेसिमल में तो 3.14 होनी चाहिए। तो इससे याद सकते हैं, अल्मोनियम में लास्ट में मिनिमम आ रहा है, तो मिनिमम कम से कम पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो इससे याद रख सकते हैं कि सतीश पाई जी को इंटरनेशनल अल्मोनियम इंस्टीट्यूट को क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है। ओके, उतना ही पढ़े क्वेश्चन जितना आपको समझ में आ जाए, जितना पूछा जा रहा है सर। तो इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सतीश पाई, एल्युमिनियम में लास्ट में मिनिमम आ रहा है, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ कहते हैं कम से कम मिनिमम वैल्यू पाई की 22/7 तो रखनी ही पड़ेगी, है ना, कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि आपको इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है कि जिससे हमको समझ में आ जाए और उसी में ही हमारा आंसर निकल जाए। ओके, तो सतीश पाई जी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके स्क्रीन पर, विच कंट्री हैज पास्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट राइट टू रिपेयर बिल फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, यानी विश्व का पहला राइट टू रिपेयर बिल फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक किसने पास किया है? प्लेयर, तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए। विश्व का पहला राइट टू रिपेयर बिल फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को लॉन्च करने वाला कौन सा कंट्री है? ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने विश्व का पहला राइट टू रिपेयर बिल फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या किया है, बिल पास किया है। अब राइट टू रिपेयर, इसको याद रखने का तरीका कैसे हम आपको बताएं कि राइट टू रिपेयर यानी कि ये कहने की अमेरिका ही सब रिपेयरिंग करने में ज्यादा हाई फाई ज्यादा आगे रहता है, इससे आप याद सकते हैं रिपेयरिंग के मामले में अमेरिका सब ज्यादा आगे इस सब चीजों में। ओके, तो इस तरह से याद सकते हैं कि राइट टू रिपेयर बिल फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पास, बिल किसने पास किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। ओके, ये इस बिल को ऑफिशियली यदि नाम देखा जाए तो इस बिल को ऑफिशियली नाम हमारा होगा डिजिटल पेयर रिपेयर, इसमें मोटर व्हीकल्स क्या होंगे इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आरबीआई हैज अनाउंस्ड द ऑप्शन ऑफ लिंकिंग क्रेडिट कार्ड्स विद यूपीआई व्हेन वर यूपीआई लॉन्च्ड इन इंडिया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ने घुमाया तो काफी है लेकिन पूछा सिंपल सी लैंग्वेज है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के ऑप्शन की घोषणा की, ये कहा है आरबीआई ने कि अब हम यूपीआई के क्रेडिट कार्ड को क्या करेंगे, यूपीआई से लिंक करेंगे। तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है कि यूपीआई कब लॉन्च किया गया, यूपीआई 2016 में लॉन्च किया गया। ओके, तो ध्यान रखेंगे यूपीआई 2016 में लॉन्च किया गया। आरबीआई के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो आरबीआई के पास लगभग 26 करोड़ यूनिक यूजर्स हैं जो यूपीआई यूज कर रहे हैं और 5 करोड़ क्या है मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं। तो टोटल 31 करोड़ यूपीआई यूजर्स बता रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं इससे ज़्यादा होंगे क्योंकि अपने देश में ही जनसंख्या 125 करोड़ लगभग है। तो ध्यान रखेंगे यूपीआई कब लॉन्च हुआ भारत में, इंडिया में यूपीआई लॉन्च हुआ 2016 में बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द लिमिट फॉर ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर मेकिंग रिकरिंग पेमेंट्स, व्हाट इज द न्यू मैक्सिमम लिमिट एज पर द अनाउंसमेंट। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कर दिया, रिकरिंग पेमेंट्स की, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कर दिया, रिकरिंग पेमेंट्स करने के लिए ऑटो डेबिट मैंडेट्स की लिमिट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। अब नई डिक्लेरेशन के अनुसार मैक्सिमम लिमिट क्या कर दी गई है, 15,000 कर दी गई है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे आप जॉब करते हैं तो आप पहले क्या होती है, सैलरी आपको कम मिलती है, फिर क्या करता है मालिक आपके काम को देखता है कि अगला आदमी कैसा है, काम करने में कुशल है या नहीं है, किस तरह से काम कर रहा है, फिर आपके काम के हिसाब से वो आपकी पेमेंट को बढ़ाता है। तो इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि आरबीआई ने क्या किया, रिकरिंग पेमेंट्स के भुगतान को करने के लिए ऑटो डेबिट मैंडेट्स की लिमिट को बढ़ा दिया है। तो नई लिमिट 15,000 रुपये है, जबकि पहले लिमिट क्या थी, 5,000 रुपये थी। तो ध्यान रखेंगे जैसे आप कहीं कंपनी में जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये मिलते हैं, इसके बाद आप यदि किसी नई तो उसी कंपनी में जाते हैं आपको 5,000 रुपये मिलते हैं, फिर क्या हुआ कि आपको पेमेंट बढ़ाई सर उसने, आपने काम अच्छा किया कुशल रहे तो उसने आपकी पेमेंट बढ़ाई, तो पेमेंट बढ़ा कितना कर दिया, 15,000 रुपये कर दिया। तो ध्यान रखेंगे कि हम 5,000 रुपये से नौकरी कर रहे थे, फिर हमारी 15,000 रुपये क्या हो गई, तो पेमेंट हो गई। आरबीआई के 25th गवर्नर के बारे में बात करें तो आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखेंगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इस नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। अब कुछ ही मिनिस्ट्रीज वगैरह तो बच्चों को आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो राष्ट्रीय वायु खेल नीति
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया। आप नेशनल एयर स्पोर्ट्स याद रख सकते हैं बच्चों, स्पोर्ट्स यानी कि होता है खेल। खेल में क्या होती है, बॉल होती है, जब बैट से बॉल मारते हैं तो बॉल ऊपर जाती है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उड्डयन यानी कि उड़ता हुआ मंत्रालय से आप उसको याद रख सकते हैं, उड्डयन मंत्रालय। अगर स्पोर्ट्स नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात करें, एयर माने हवा, स्पोर्ट माने खेल, अगर गेंद मारते हैं बल्ले से हवा में ऊपर जाती है, तो ऐसे याद रख सकते हैं किसका क्या होगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट फीचरिंग द रिचेस्ट पर्सन अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ऐसे याद रख सकते हैं कि फोर्ब्स के अनुसार रियल टाइम बिलियनेयर लिस्ट में से मुकेश अंबानी की कौन सी रैंक है टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से। तो ध्यान रखेंगे मुकेश अंबानी के रैंक के बारे में बात कर लें, भारत विश्व के 10 व्यक्ति में से टॉप 10, तो मुकेश अंबानी का क्या है बच्चों, छठवां स्थान है। कौन सा है, सिक्स्थ स्थान है, छठवां स्थान है मुकेश अंबानी का। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग ऑफ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। हु इनॉग्रेटेड, किसने उद्घाटन किया है नई बिल्डिंग का, यानी कि नए भवन का किसने उद्घाटन किया है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में जनजाति अनुसंधान संस्थान का। तो ये किया है अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्रालय अमित शाह जी ने नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। ओके, तो ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप सभी को जितने भी हमने 9 जून की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को रिपीट कराया, रिवाइज कराया, आप पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब इसी सीक्वेंस पे अब हम बढ़ते हैं 10 जून की करंट अफेयर्स के बारे में। अब 10 जून की करंट अफेयर्स के बारे में आपको थोड़ा पीसीएस के और आईएएस के एग्जाम में करंट अफेयर्स के किस तरह क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 3 क्वेश्चन आपके लिए हम देख के आए हुए हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, एक मिनट का थोड़ा वेट करेंगे, तब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें। जी, तो दिल्ली करंट अफेयर्स 10 जून 2022, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन विच सिटी जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड द सूफी फेस्टिवल इन जून 2022। क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2022 में जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने किस शहर में सूफी फेस्टिवल का आयोजन किया है, ये किया है बच्चों श्रीनगर में। ऐसे याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल के बारे में बात कर ले तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है बच्चों, श्रीनगर है। और ये भी कह रहा है कि सूफी फेस्टिवल जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने किस शहर में लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे श्रीनगर में। सूफी में ऐसा आ रहा है शुरुआत में, इसमें भी श्रीनगर आ रहा है, यानी कि ऐसा आ रहा है। तो सीधे से आप इसको याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने सूफी त्यौहार का ऑर्गेनाइजेशन ये किया है श्रीनगर शहर में। ओके बच्चों, जी हाँ, थोड़ा इसका एडिशनल बता देते हैं आपको। एडिशनल क्या है कि एडिशनल ये है कि द फेस्टिवल इज एम्ड एट हाईलाइटिंग एंड प्रोपेगेटिंग द टीचिंग्स ऑफ सूफीज एंड रिसीज इन द कश्मीर वैली। कैसा सर, कि त्यौहार का उद्देश्य यदि देखा जाए तो कश्मीर घाटी में सूफियों और ऋषियों की शिक्षा को उजागर करना है। कश्मीर घाटी में सूफियों और ऋषियों की शिक्षाओं का उजागर करना है और उनका क्या करना है बच्चों, प्रचार करना है। ओके, तो ये इसका मेन क्या है, उद्देश्य है।
ये 3 दिवस का त्यौहार है, 3 दिन का त्यौहार रहेगा। इसको उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर आर आर भटनागर के द्वारा इसको क्या किया गया है बच्चों, लॉन्च किया गया है। ओके तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है बच्चों? आर आर भटनागर के सलाहकार द्वारा इसको किया गया था उद्घाटन इसका। ओके उपराज्यपाल तो मनोज सिन्हा है यहाँ के। ओके ये 3 दिवसीय का फेस्टिवल है, इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आर आर भटनागर के सलाहकार द्वारा किया गया था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो ध्यान रखेंगे इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सूफी कश्मीर घाटी में सूफी और ऋषियों की शिक्षा को उजागर करना, उनका क्या करना, प्रचार प्रसार करना। ओके जी अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन विच सिटी द सेकंड एडिशन ऑफ अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड? किस शहर में डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग आयोजित किया गया था, यानी कि जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए एक्सीलेंस के लिए पुरस्कारों का दूसरा एडिशन किस शहर में आयोजित किया गया था? ये किया गया था बच्चों न्यू दिल्ली में। कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। जिला कौशल विकास योजना के बारे में बात करें तो दूसरा संस्करण उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों का किस शहर में आयोजित किया गया था? यह किया गया था दिल्ली में। ओके तो नई दिल्ली में इसका दूसरा संस्करण क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। ओके अब डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग आ रहा है, बार बार आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट यानी कि डी आ रहा है और डेवलपमेंट में भी डी आ रहा है, तो याद रख सकते हैं इस तरह से कि नई दिल्ली भी हो सकता है। कुछ अंदाज अगर लगाया तो सेकेंड एडिशन ऑफ अवार्ड फॉर एक्सीलेंस कहाँ पे, नई दिल्ली में। ओके ध्यान रखेंगे बच्चों तो नई दिल्ली शहर में जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ओके अ टोटल ऑफ द टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अराउंड द कंट्री वर अवार्डेड फॉर दियर इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस इन स्किल डेवलपमेंट। कौशल विकास में अभिनव सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए देश भर के शीर्ष 30 जिलों को सम्मानित किया गया। राजकोट गुजरात में राजकोट, असम में कछार, महाराष्ट्र में सतारा, ये सभी प्रतिभागी जिलों में से शीर्ष 3 में है। क्वेश्चन यदि आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग में सबसे टॉप कौन सा है, गुजरात में राजकोट, कछार असम में, महाराष्ट्र में सतारा, ये क्या रहे प्रतिभागी राज्य सबसे टॉप 3 जिले रहे हैं बिल्कुल। ओके जी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन 9 जून 2022 हैंडेड ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स टू ब्लैंक। डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है कहाँ कि ये भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस देश को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंप दिया है, तो वियतनाम को। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट क्या कर दिया है, सौंप दिया है, क्योंकि इनके बीच में अभी एक क्या हुआ था, विजन स्टेटमेंट लॉन्च किया गया था। विजन स्टेटमेंट पे दोनों, क्योंकि रक्षा मंत्री वियतनाम 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर है और दोनों देशों ने 7 जून 2022 को एक विजन स्टेटमेंट पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने ये कहा था कि दोनों देशों की रक्षा प्रबंधों को क्या करना है, मजबूत करना है। तो इसी तरह से तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कर दिया है, 12 हाई स्पीड गार्ड बोट से सौंप दिए हैं वियतनाम को। ओके तो ध्यान रखेंगे, ये भी काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी सर तो नई चीज हम हाईलाइट कर रहे हैं, इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूरा हाईलाइट कर देंगे फिर आप भी बावड़ आ जाते हैं। ऐसे में ये एक सर ने राजनाथ सिंह किया, हैंडेड ओवर किया, 12 हाई स्पीड गार्ड बोर्ड किया, आप समझ जाएंगे ना जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर फोर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ प्रसार भारती इन जून 2022। जून 2022 में प्रसार भारती का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मयंक अग्रवाल को। मयंक अग्रवाल को प्रसार भारती में पी, मयंक में एम यानी कि पीएम से याद कर सकते हैं, प्रसार भारती पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। तो प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मयंक अग्रवाल को। ओके, प्रसार भारती की स्थापना के बारे में बात कर ले, इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रसार भारती की स्थापना बताएं बच्चों, तो बता सकते हैं कि 23 नवंबर 1997 को हुई। तो मयंक अग्रवाल को सीईओ बनाया गया है प्रसार भारती का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्रसार भारती का यदि हेडक्वार्टर पूछ ले तो प्रसार भारती का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ओके, प्रसार भारती का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली पे। ओके, प्रसार भारती एक संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है और इसमें दूरदर्शन, टेलीविजन नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो क्या है, शामिल है। तो ध्यान रखेंगे प्रसार भारती के सीईओ कौन बनाए गए? मयंक अग्रवाल। सर कैसे याद करें, प्रसार में पी आ रहा है, मयंक में एम आ रहा है, तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, जिसको आप याद कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे? किस दिन को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन यानी कि विश्व प्रत्यायन के दिवस रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जून को। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ओके, थीम के बारे में बात कर लें, इसकी थीम है इस बार की, एक सेकेंड, इसकी थीम है एक्रेडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरनमेंट। यानी कि यदि इसको ट्रांसलेट करें हिंदी में तो इसकी हिंदी क्या बनती है कि प्रत्यायन आर्थिक विकास और पर्यावरण में क्या स्थिरता। ओके, तो ध्यान रखेंगे। ओके, अब सर विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया क्यों जाता है? यह व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ओके, तो विश्व प्रत्यायन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जून को। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इन जून 2022 हु लॉन्च्ड एनकोवैक्स, इंडियाज फर्स्ट होम ग्राउंड कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स प्रोड्यूस्ड बाय द ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स इन हरियाणा। जी बताएं, काफी क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ये भी क्वेश्चन ये कह रहा है जून 2022 में हरियाणा में ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स द्वारा उत्पादित जानवरों के लिए भारत का पहला होम ग्राउंड कोविड-19 वैक्सीन एनकोवैक्स किसने लॉन्च किया है? यानी कि भारत की पहली होम ग्राउंड कोविड-19 वैक्सीन जो कि पशुओं के लिए, नाम क्या है, एनकोवैक्स, किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? कृषि मंत्री हैं। तो ध्यान रखेंगे, इतना हम हाईलाइट कर देते हैं, हु लॉन्च्ड एनकोवैक्स, इंडिया फर्स्ट होम ग्राउंड कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल। इतने से आप समझ जाएंगे, इतने क्वेश्चन यदि पेपर में आ जाएंगे इतने से आप समझ जाएंगे कि हु लॉन्च्ड एनकोवैक्स, इंडिया फर्स्ट होम ग्राउंड कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कौन? कृषि मंत्री हैं। कौन है बच्चों? कृषि मंत्री हैं। ओके, ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर हरियाणा ने कहा है कि ये वैक्सीन कंपनी के अनुसार बात करें तो कुत्तों के लिए, शेरों के लिए, तेंदुओं के लिए, चूहों के लिए और खरगोशों के लिए भी क्या है, ये वैक्सीन सुरक्षित है। यानी कि ये वैक्सीन सभी के लिए सुरक्षित है, इन सभी जानवर के लिए कंपनी के अनुसार। आगे देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह के हमारे पीसीएस
के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और कुछ यही आईएएस के भी क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो आई होप मैं आपके लिए दिखाने के लिए लाया हूँ कि देखिए किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरह से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। आइए, हमारे पास चार क्वेश्चन है इस तरह के करंट अफेयर्स के, चारों क्वेश्चन को अच्छे से पहले अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियन राइनो। इसमें क्या होता है, वर्ड दे देता है, कहता है कि इसे इंडियन राइनो दे दिया, किसके बारे में आप क्या जानते हैं, इंडियन राइनो यानी कि भारतीय राइनो, राइनो यानी होता है बच्चों गैंडा होता है, क्या होता है गैंडा होता है, कि भारतीय गैंडा के रेफरेंस के माध्यम से स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। अब ये बताने स्टेटमेंट कौन सही है, ए दिया है, बी दिया है, ए सही है कि बी सही है, कि दोनों सही है, कि इनमें से कोई नहीं सही, ना ए ना बी ना सी ना डी, कोई नहीं। तो इस तरह का है, तो क्वेश्चन आप पढ़ें, लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियन राइनो, किसके रेफरेंस में स्टेटमेंट दिया गया है, ये दिया गया है भारतीय गैंडे के रेफरेंस में स्टेटमेंट दिया गया है उसके संबंध में। स्टेटमेंट पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट ये है, इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। ये देखिए, इसको मैंने हाईलाइट किया, इंडियन राइनो के अनुसार पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। जी बताएं, पढ़ें स्टेटमेंट एक बार। IUCN का फुल फॉर्म आप जानते हैं, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट, इसे IUCN रेड लिस्ट में संकट ग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नियरली 85% ऑफ द ग्लोबल इंडियन राइनोसर्स पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन असम, वैश्विक भारतीय गैंडों की लगभग 85% आबादी असम में केंद्रित है। अब क्या कह रहा है, अब आपसे नीचे क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट ए सही है या बी सही है, या आपके हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही है, किसके रेफरेंस में पूछा गया है, भारतीय गैंडे के रेफरेंस में। तो यदि यहाँ पे हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बताया गया है। अगर देखा जाए तो भारतीय गैंडे को एक सींग वाला बड़ा गैंडा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारतीय गैंडे को एक सींग वाला बड़ा गैंडा भी कहा जाता है। महान भारतीय गैंडा भारतीय उपमहाद्वीप का क्या है, मूल निवासी है। तो ध्यान रखें, पहली चीज क्या है, पहली चीज इसमें यह है कि इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में IUCN की सूची और अनुसूची पशु में संवेदनशील ग्रुप में इसको सूचीबद्ध किया गया बच्चों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार, ना कि इंडेंजर्ड के अनुसार। इंडेंजर्ड यानी कि क्या हो गया, ये संकट ग्रस्त के रूप में सूचित किया गया है, बिल्कुल नहीं बच्चों, इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 में IUCN की लाल सूची और अनुसूची में क्या किया गया, इसको इन किया गया है। तो और दूसरी बात बात करने तो लगभग 85% वैश्विक भारतीय गैंडों के लगभग 85% आबादी असम में क्या है बच्चों, केंद्रित है, जहां काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क में 70% गैंडे हैं। तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस के माध्यम से ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टेटमेंट बी इस तक क्या है, राइट आंसर है। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, अनहाईलाइट कर दें क्या। चलो कोई बात नहीं, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन राइनो। ओके,
ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फास्ट रेडियो बर्स्ट। फास्ट रेडियो यानी कि तीव्र रेडियो प्रस्फोट के संबंध में स्टेटमेंट दिया गया है। इसके स्टेटमेंट रिगार्डिंग है फास्ट रेडियो बर्स्ट। पहली चीज तो समझ में आया, अब स्टेटमेंट पढ़ो। दे आर ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट दैट अपीयर फॉर अ फ्यू मिलीसेकंड्स एंड देन वैनिश। ये प्रकाश की चमकदार चमक हैं, प्रकाश की चमकदार चमक हैं जो कुछ मिलीसेकंड के लिए तो दिखाई देती हैं और बाद में फिर से गायब हो जाती हैं। अब इनके स्टेटमेंट्स के पहली चीज उन्होंने ये कहा कि फास्ट रेडियो बर्स्ट का मतलब ये है कि प्रकाश की चमकदार चमक हैं, कुछ सेकंड तक तो दिखाई देती हैं, इसके बाद फिर से गायब हो जाती हैं। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। तो इस स्टेटमेंट को भी हम क्या कर देते हैं, बोल्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट ये कहा गया है कि द सोर्स ऑफ एफ आर बी एस को याद रखना, फास्ट रेडियो बर्स्ट है यहाँ पे। आर द सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार्स लेफ्ट ओवर आफ्टर अ सुपरनोवा। एफआरबी के स्रोत सुपरनोवा के बाद बचे हुए सुपर डेंस न्यूट्रॉन तारे हैं। अच्छा जी, इनके इस स्टेटमेंट को हम फिर से बोल्ड कर लेते हैं, दोनों स्टेटमेंट को। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने ये कहा कि चमकदार चमक है जो कि कुछ सेकेंड तक दिखाई देते हैं, इसके बाद गायब हो जाते हैं। एफआरबीज के सोर्स क्या है, न्यूट्रॉन स्टार्स के सुपर डेंस हैं जो कुछ एक सुपरनोवा के टर्नओवर पे क्या है, बचे हुए हैं। ओके, सुपरनोवा के बाद बचे हुए सुपर डेंस न्यूट्रॉन तारे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखा जाए तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फास्ट रेडियो बर्स्ट के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बच्चों क्या है, सही है। तो इसके लिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। जबकि पहली फर्स्ट रेडियो बर्स्ट की खोज कब की गई, 2007 में की गई, ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट रेडियो बर्स्ट की खोज 2007 में की गई। ओके, तब से जून 2021 तक 140 और खोजे गए। 2007 में पहली एफआरबी की खोज की गई, इसके बाद जून 2021 में 140 और खोजे गए। ओके, तो ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोनॉमर्स ने सजेस्ट किया, यानी कि खगोलविदों ने यह सुझाव दिया कि एफआरबी के स्रोतों के लिए उम्मीदवार सुपरनोवा या मैग्नेटार्स। ओके, मैग्नेटार सर क्या है, मैग्नेटार एक प्रकार का न्यूट्रॉन स्टार होता है। मैग्नेटार एक प्रकार क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार होता है। दे आर द मोस्ट पावरफुल मैग्नेट्स इन द कॉस्मोस। और ये क्या होते हैं, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। उनकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लें तो मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तुलना में 5000 ट्रिलियन गुना अधिक शक्तिशाली होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफी, है ना जी। तो ध्यान रखेंगे। ओके, एफआरबी के बारे में हमने आपको बताया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। थोड़ा क्वेश्चन बड़े होते हैं, थोड़ा समझने में इनको टाइम लगता है। जी हाँ, जिसने इन चीजों को गहराई से पढ़ा होगा वही इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, बता पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में काफी अच्छा स्टेटमेंट है, आइए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, चलिए देखते हैं। पहले तो कह रहा है स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोल इन इंडिया। भारत में कोयला के संदर्भ पर स्टेटमेंट दिया गया, किसके, विद रेफरेंस टू कोल इन इंडिया। अच्छा, इनका पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। भारत विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। मेरे को तो नहीं लगता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। अगर भारत विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश होता तो अभी बीच में बिजली की कटौती न की जाती, जो कोयला की कमी के कारण ही की गई है। दूसरा, द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया इंक्लूड रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में झारखंड में रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो शामिल हैं। अब कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। ऊपर दिए गए दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए बच्चों, यदि हम बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश नहीं है,
कोयला उत्पादक देश के बारे में बात कर लें तो कोयला उत्पादक देश सबसे विश्व में कौन है? चाइना है। चाइना इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके बच्चों, इसका उत्पादन 3,942 मिलियन टन तक पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है? 3,942 मिलियन टन तक क्या हो गया है? पहुंच गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बचा हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, हाँ, कोयला प्रोड्यूसिंग एरिया है भारत में, झारखंड में, जैसे रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो, तो ध्यान रखेंगे। और कोयला की बात करें तो कोयला को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सभी को जानते होंगे। कोयला को चार रैंक में डिवाइड किया जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। ओके जी सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अ बायोडाइवर्सिटी पार्क इज लोक बीइंग डेवलप्ड इन द सिरुमलाई हिल रेंज। द हिल रेंज इज लोकेटेड इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स। सिरुमलाई हिल श्रृंखला में एक जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है, पर्वत श्रृंखला में से किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है बच्चों तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के डिंडीगुल, कहाँ पे? डिंडीगुल जिले में सिरुमलाई पर्वत 660,000 एकड़ तक फैली हुई है। तो सिरुमलाई हिल पे बायोडाइवर्सिटी पार्क में डेवलप किया गया ये हिल रेंज किस स्टेट में? ध्यान रखेंगे हिल रेंज कहाँ पे? तमिलनाडु पे है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स क्लास के सेशन के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चंस एकदम पूरी तरह से समझ में आए होंगे। आप कमेंट करके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आज के सेशन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस तरह लगे ये बताएं। आपकी दोबारा जैसे जब हम क्लास लेकर आए करंट अफेयर्स की, तो क्या ये PCS प्री के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाने लायक हैं या नहीं? आप बिल्कुल बताएं कमेंट करके। वैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन लाने लायक हैं। ओके, इससे और आपकी क्या होती है, दिमाग चलता है। जब इसकी गहराइयों तक पहुँच जाते हैं कि स्टेटमेंट दे दिया जाए, स्टेटमेंट दिया होता है एक लाइन का कि भाई कोयला के बारे में स्टेटमेंट लिखा है। अब इतनी चीज जान के सबसे पहले चीज आप यहाँ पे क्या जाने कि भारत तो है नहीं विश्व में कोयला सबसे बड़ा उत्पादक, कौन है? चाइना है, जान गए। भारत में प्रोड्यूसिंग एरिया जरूर है, जैसे रानीगंज, धनबाद, बोकारो, इस तरह से समझे नहीं समझे? जी हाँ, मेरे हिसाब से एग्जाम में क्या आपके नॉलेज के लिए काफी सफिशियंट है क्वेश्चन, और आप जैसा बताएं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। जी हाँ, करंट अफेयर्स के PDF के बारे में बात रही तो PDF चिंता मत कीजिए, अगर नहीं डल पाती तो कोई बात नहीं, वैसे कोशिश हम पूरी करेंगे कि हम डलवा दिया करेंगे, ठीक है? जी हाँ, चलिए इस सेशन को हम यहीं से ऑफ करते हैं, बाकी कल फिर मुलाकात करते हैं नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक बने रहिए आप सभी लोग। राधे राधे आप सभी लोगों को, हर हर महादेव।